सो गाइस अगर आपके भी चीक्स में ज्यादा से फैट नहीं तो ये वीडियो आप ही के लिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इस पार्ट को मिस मत करना। सो गाइस टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने बाद फेस का लेवल अप होने वाला है। सो गाइस टिप्स देने से पहले मैं आपको कुछ चीज आपको बता दूं, आपको कुछ मिस्टेक आपको जरूर यानी कि बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं अगर आप इस चीज को करते हो तो। सबसे पहली बात, अगर आप स्मोकिंग, एल्कोहल या च्युइंग गम बहुत ज्यादा चबाते हो तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इन सारी चीजों से आपके जो चीक से कुछ इस तरीके की हो जाएंगी, यानी कि आपके फेस के ऊपर जो फैट होता है वो धीरे धीरे घटने लग जाता है एंड आपका फेस शेप में आने लगता है। बट शेप में आना भी कोई गलत बात नहीं है, बट शेप से बहुत ही ज्यादा यानी बहुत ज्यादा साफ हो जाए तो बहुत बेकार है। जैसे कि आप स्किन पे देख सकते हो कुछ इस तरह का हो गया तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बेकार दिखे। एंड बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि भाई इसे करने से हमारा जोलाइन आता है, ये आता है, सिगरेट पीने से हमारा जो चीक से अंदर जाता है एंड बहुत ही अच्छा साफ जोलाइन दिखता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर आपका फेस कुछ धीरे धीरे इस तरीके का होते जा रहा है तो आपको इसे ध्यान रखना, आपको ऐसा अपने फेस को नहीं करना। अगर आप ये मिस्टेक करते हो तो आपको इसे पहले छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद जो मैं आपको टिप अभी देने वाला हूं उसे आपको अप्लाई करना। तो गाइस हमारा टिप नंबर वन आता है, वो है आपको अपने फेस को फेस मसाज देना होगा। सो गाइस आपको डेली बेसिस पे अपने फेस को मसाज कर सकते हो, या आप वीक में 2 से 3 बार भी आप कर सकते हो अपने फेस के ऊपर मसाज। तो आपको बता दूं आपको किस तरीके से आपको फेस को मसाज करना, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको एक मॉइस्चराइजिंग जेल का भी यूज कर सकते हो, या कोकोनट ऑयल या कोई भी नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट आपको यूज करना है, जिससे क्या होगा ना आपके फेस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा एंड साथ ही साथ इससे आपकी स्किन ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है। एंड आपको ये सारा प्रोसेस को आपको 5 से 6 मिनट या 15 मिनट तक आप इसे कर सकते हो। हमारा सेकंड टिप में आता है, वो है आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना होगा। प्रॉपर स्लीप इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा 8 से 8 घंटा आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना पड़ेगा। उससे होगा क्या, तो आप खुद ही देखोगे जो बंदा बहुत ज्यादा सोता है तो उसका फेस का फेयर बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, साथ साथ हम लोग बहुत ही ज्यादा हेल्दी टाइप में रहते हैं। तो आप बोलोगे कि मेरा फ्रेंड तो आलसी है बट फिर भी वो बहुत ज्यादा पतला है, तो ऐसा कुछ कुछ केस में होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर स्लीप लेना है एंड उसके साथ ही साथ इससे होता क्या है, इससे क्या होता है आपके ओवरऑल बॉडी के जो मसल है वो ग्रोथ होते हैं एंड साथ साथ अगर आप ये टिप को ऐसे फॉलो करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ आपका जो चीक्स है ना वहाँ बहुत ही जल्दी फैट आने वाले हैं। तो गाइस थर्ड टिप में आता है, वो है ओवरऑल बॉडी को आपको बेनिफिट देने वाला, तो वो क्या है, वो आपको वाटर इंटेक करना है आपको डेली बेसिस पे। सो गाइस आपको एक दिन में आपको 12 से 10 गिलास वाटर आपको पी ही लेना है एंड साथ साथ मैं आपको बता दूं उसके बेनिफिट क्या होने वाले, इससे आपके ओवरऑल पूरे बॉडी के बेनिफिट देने वाले एंड साथ साथ आपके चीक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप था, तो मैं आपको बता दूं इससे आपका बस फेस का फैट नहीं बढ़ने वाला, इससे आपके ओवरऑल बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, ऐसे मैंने कई वीडियो में बताया एंड साथ साथ इसमें भी बताता हूँ कि आपके चीक्स के ऊपर फैट लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो आपको वाटर इंटेक ज्यादा करना है। सो गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर, तो मैं आपको बता दूं नेक्स्ट टिप जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज क्लियर कर दूं। सो गाइस ये जो जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो तो सारे एक्सटर्नली थे, यानी कि आप एक्सटर्नली आप उसके ऊपर क्या क्या कर सकते हो यानी कि अपने फेस के ऊपर फैट लाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं आपको इंटरनली आपको क्या खाना पड़ेगा। तो टिप नंबर 4 है हमारा डाइट। सो गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डाइट में कुछ चीजें ऐड करनी होगी, लाइक आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आप इसे स्क्रीनशॉट मार के रख लेना है एंड इस हिसाब से अपने डाइट में इसे ऐड ऑन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो आपको कुछ हेल्दी फैट वाले फूड आपको खाने पड़ेंगे, आप इसके स्क्रीनशॉट तुरंत ले लो एंड साथ साथ मैं आपको बता दूं अगर आप मेरे चैनल पर नए हो एंड इस बंदे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी जरूर दबा दो, कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना।